अच्छा जी, एक फूल है वो आपने यहाँ से तोड़ा है, ये है उसकी डंडी जिसको कहते हैं मदर एक्सिस, लिख लें ये है मदर एक्सिस। वो वाला एक्सिस जिसने फूल को सपोर्ट किया हुआ है, टहनी, ये है फूल की डंडी और यहाँ पे बना दें फ्लावर। अब मदर एक्सिस का फंक्शन ये होता है कि कहीं से भी आप अगर देखें तो वो आपको पोजीशन पता चलती है फ्लावर की, कि आया फ्लावर मदर एक्सिस के सामने है, मीडियन प्लेन में है, लेटरल साइड पे है, लिखते जाएं साथ साथ, या एंटीरियर साइड पे है। ये आप टहनी के साथ मदर एक्सिस से कंपेयर करते हैं फ्लावर को, जिससे आपको फ्लावर और उसके एक्सिस की सिमेट्री पता चलती है, फ्लावर की पोजीशन पता चलती है। अब समझ आ गया मदर एक्सिस का काम। मदर एक्सिस का काम समझ आ गया। अब ये है ब्रैक। अब इसी को मैं फ्लोरल डायग्राम में लाने लगा हूँ, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको ये चीज फिर कभी नहीं भूलेगी, मुझे साथ साथ बताते जाएं। सब बोलें इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? पहला पहला घेरा, ठीक है, रफ बना रहा हूं क्योंकि जल्दी में है। ये है कैलेज। अब जब ये कंडीशन हो और यहां पे इसी तरह का एक अलग बना हुआ हो, समझ जाना है कि वो ब्रैक की बात हो रही है। देखें यहां पे ब्रैक है ना, समझ आ गई? अब क्लियर हो रहा है फार्मूला और पौधा देख के फार्मूला। अब इसके अंदर बनाए अगला घेरा, ये कौन सा होगा? शाबाश कोरोला, अब खुद बोलते जा रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं इसके अंदर बना दूं, इसका क्या मतलब होगा? और एंड्रोशियम की पोजीशन कैसी है? डाइथीसियस है दो कानों वाले, ठीक है। और अंदर अगर मैं ये बना दूं, ये बन गया गाइनेशियम, समझ आ गई? अब ये कंडीशन जो है ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, देखें यहां से जुड़े हुए नहीं है, तो ये कंडीशन होगी पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस और पॉलीपेटलस, ना सेपल्स आपस में जुड़ी है ना पेटल्स, समझ आ गई? अगर इनको मैं यहां पे आपस में जोड़ दूं, फ्यूज हो गए हैं, तो ये क्या कंडीशन होगी? गैमोसेपलस, शाबाश, गुड। इट वाज इलस्ट्रेटिव डायग्राम ऑफ एनी फ्लावर। ये इधर बना दे मदर एक्सिस, ऐसे एक स्पॉट था, ये मदर एक्सिस। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? Is everything clear? Okay.
have you understand the concept?